जनाब स्पीकर, कल जब मैं मौजूद नहीं था तो मलक बाजई साहब ने इस ऐवान में ये अपोजिशन के साथियों को कहा कि तुम्हारा टोपी वाला मास्टर किधर है। वो अगरचे मलक नईम की जो हैसियत है या जिस तरीके से है उसे कोई बाइद नहीं है, लेकिन साथ में मैं अपोजिशन के अराकीन अख्तर हुसैन साहब, नसरुल्ला ज़ेरी, मलक नसीर शावानी का मशकूर हूँ कि मेरी अदम मौजूदगी में उन्होंने इस हकीकत को इनके सामने रखा कि हाउस में बैठने का भी एक तरीक़ाकार होता है और हाउस में बोलने का भी एक तरीक़ाकार होता है। अगर नहीं है तो आप इसको डेकोरम को अपने साथ रखें। और साथ ही मैं अपने भाई असगर खान अशकज़ई का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इन अल्फाज को गलत समझते हुए उन्होंने पार्टी की तरफ से माजरत की और नईम साहब ने भी अपने अल्फाज वापस लिए। और मैं साथ मीर ज़हूर बलेदी साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इस को गलत समझा और गलत को गलत कहा। तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ इस हद तक अर्ज करूँगा कि अगर वो अपोजिशन को टोपी वाला मास्टर ढूंढ रहे हैं तो उनका अपना भी मास्टर टोपी वाला है जी, तो वो उसको भी सुने, लेकिन इस पर थोड़ा सा डेकोरम के साथ आइंदा के लिए हाउस में इस किस्म जी। शुक्रिया मलिक साहब, लेकिन उसने माजरत कर लिया है। मैंने शुक्रिया अदा किया, मैं उस पर कुछ इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कर, नहीं तो मैं बहुत, लेकिन आपने आपने भी वो टोपी वाला, हम लोगों ने माजरत कर लिया, हमने नहीं, नहीं तो मैं यही कहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो आप भी माजरत के साथ कहें कि टोपी है, टोपी बराबर है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी माजरत कर लें, माजरत के साथ बोलो, मैं भी कह सकता हूँ माजरत के साथ करके कि मैं भी कह सकता हूँ कि टोपी वाला। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहते हैं डेकोरम होना चाहिए, अब आज अखबार में तो ऐसा तक आया कि जी ये बलूचिस्तान असेंबली अपोजिशन लीडर के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क पर इस इख्तलाफ का शदीद एहतजाज, इस हद तक आया। बाकी इन साथियों ने जो हमारे भाइयों ने जो कल एहतराम सबके लिए, अपोजिशन लीडर हैं गवर्नमेंट के लिए, अपोजिशन के लिए, तो बहुत शुक्रिया जनाब। और जिस तरफ भी हुए हैं सारे,